आज की शाम मैं आपसे ईमानदारी के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, या उससे पहले मैं चाहता हूँ कि अपने जीवनों में गौर करें। हर एक मनुष्य जो है दो व्यक्तित्व रखता है। एवरी पर्सन कैरीज टू पर्सनैलिटीज, एक बाहर दुनिया के सामने और एक उसके अंदर की असलियत। घर के अंदर शायद निकलते निकलते हमारी आपस में इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ है कि हम एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते हैं, एक दूसरे से बात भी नहीं करते, चाहे वो पति पत्नी के संबंध की बात हो या माता पिता और बच्चों के बीच की बात हो। लेकिन जब बाहर दूसरों के बीच में जाते हैं, मजबूरी में ना हमें अपनी बत्तीसी को खोल के दिखाना पड़ता है। दिल में शायद हम कितने उदास क्यों ना हो, लेकिन बाहर हमें दिखाना पड़ता है सब कुछ कैसा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन अंदर से एक टूटापन है। हमें लगता है शायद सब कुछ खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका है, लेकिन बाहर से अगर कोई पूछे कि तो बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग इज वेरी फाइन, बड़ी अच्छी नौकरी है, बड़ा अच्छा परिवार है, बड़ा अच्छा हमारा संबंध है, लेकिन मैं आज हमारे उस व्यक्तित्व से बात करना चाहता हूं जो असली है, जिसको शायद हम दुनिया को दिखाने के लिए घर में छोड़ करके आए हैं, अपने ऑफिस में छोड़ करके आए हैं, ताला लगा के बंद करके आए हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो छूटा कहीं नहीं है, वो हमारे अंदर ही है। कोई ऐसा व्यक्ति है यहाँ पे जो अपने हाथ उठा के बता सके, कह सके कि मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं, एक भी परेशानी नहीं है? कितने लोग हैं जो हाथ हटा के कह सकते हैं, उठा के, कि हमारे जीवन में एक भी समस्या नहीं है? मैं छोटी बड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, परेशानी या समस्या की बात कर रहा हूँ। कितने लोग ईमानदारी से, कितने लोग जो ऐसे व्यक्ति जो कह सकते हैं मेरे जीवन में एक भी समस्या, एक भी परेशानी, एक भी चिंता का विषय नहीं है, वो अपने हाथ को उठा के दिखा दे मेहरबानी से। इसका मतलब यह कि हमें से कोई ऐसा नहीं है जो चिंता और परेशानी से मुक्त हो। And that is the fact. There is nothing to feel embarrassed about it. उसके विषय में शर्म या हताशा महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंदर इतिहास को विभाजित करने के लिए, हमारे जीवनों को बदलने के लिए इसलिए आए ताकि हमारे जीवन की परिस्थितियां बदल जाएं। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, जब हम इस गीत को गा रहे हैं, या आपकी व्यक्तिगत प्रार्थना होने पाए, आप जानते हैं आपके जीवन में कौन सी चिंता है, आपके जीवन की कौन सी समस्या है, आपके जीवन की कौन सी परेशानी है, घर हो या बाहर हो, ऑफिस हो या पड़ोस हो, कैसे भी समस्या क्यों ना हो, हम उस गीत को जब गा रहे हैं, फिर सुन ले यीशु प्यारे, अपने दरखास्त को, अपनी विनती को उसके सम्मुख लेके आइए। आठ नंबर जो भजन हम गा रहे हैं, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ, मेरी कोई ताकत नहीं है यहाँ पे बैठे हुए या अपने उपस्थित किसी व्यक्ति की कोई ताकत नहीं है, लेकिन जिस नाम से हम आराधना कर रहे हैं, जिस नाम को पुकार रहे हैं, जिस नाम में हम जिसकी मैं हूँ वर्णन कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, उस नाम के अधिकार में मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ, आई कैन गारंटी यू दैट देयर इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम व्हिच विल रिमेन इन योर लाइफ। आपके जीवन की कोई ऐसी समस्या या अवस्था नहीं है जो आपके सामने टिक जाए। इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज आपको चुनौती दे रहा हूं। हो सकता है शायद आप यहाँ पर एक गेस्ट के तौर में नहीं, एक कार्यकर्ता के रूप में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। We are talking about the reality of life. हम जीवन की वास्तविकता की बात कर रहे हैं, इसलिए आज की शाम मैं आपको प्रोत्साहित करने जा रहा हूँ, जब हम इस गीत को गाए हैं केवल स्पेक्टेटर्स की तरह, गेस्ट की तरह उसको सुनिए मत, लेकिन अपनी प्रार्थना को, अपने निवेदन को परमेश्वर के चरणों में रखिए। And I am challenging you. There is nothing that can remain untouched. कोई ऐसी बात नहीं है जो कि परमेश्वर छू ना सके, उसे बदल ना सके। उस विश्वास के साथ आइए हम मिल करके इस गीत को प्रार्थना के स्वरूप।